मित्रों, सावन के महीने में कम से कम एक बार रुद्राभिषेक जरूर करना चाहिए। अगर आपको सारी विधि आती है तो आप स्वयं भी कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी जानकार पंडित के साथ मिलकर रुद्राभिषेक जरूर करवाएं। मित्रों, से पहले मैं आपको बताऊं कि आप कौन कौन से तरल पदार्थों से भगवान का अभिषेक कर सकते हैं, भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप किस तरह से शिव जी पर जल चढ़ा सकते हैं। इसके दो नियम हैं। पहला नियम ये कहता है कि सबसे पहले आप गणेश जी पर जल चढ़ाएं, उसके बाद आप माँ गौरा पर जल चढ़ाएं, उसके बाद आप कार्तिकेय भगवान पर जल चढ़ाएं, उसके बाद नंदी बाबा पर, फिर नाग देवता पर, और उसके बाद धार सहित आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। तो ये है पहला नियम। दूसरा नियम ये कहता है कि सबसे पहले आप गणेश जी पर जल चढ़ाएं, फिर कार्तिकेय भगवान पर, उसके बाद नंदी बाबा पर, उसके बाद माँ गौरा पर, फिर नाग देवता पर, और उसके बाद धार सहित आप शिवलिंग पर जो है जल चढ़ा सकते हैं। तो शिव जी एक ऐसे देवता हैं जो अपने से पहले अपने परिवार की पूजा करवाते हैं। तो ये नियम है, आप इन दोनों नियमों से कोई भी नियम जो है आप उसको अपना सकते हैं। ये तरीका है दोस्तों, जो मैंने आपको तरीके बताए भगवान को जल चढ़ाने के, उसमें एक नियम ये भी है कि आप शंख से जो भगवान शिव को जल नहीं चढ़ा सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव ने शंखचूड़ नाम के एक राक्षस का वध किया था, तो शंख से आप भगवान शिव को जो है जल नहीं चढ़ा सकते। दूसरी बात, आप जब भी जल चढ़ाएं तो बैठ कर जल चढ़ाएँ और उत्तर दिशा में मुँह करके जल चढ़ाएँ, तो इससे जो है आपको जो रुद्राभिषेक करने का, जल चढ़ाने का जो है ज़्यादा फायदा मिलता है, अच्छा फायदा मिलता है। भोलेनाथ को जो आप जल चढ़ाते हैं उसमें पात्र का भी बहुत महत्व है दोस्तों। ऐसे में आप तांबे का, चांदी का या फिर कांसे का पात्र इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोशिश कीजिए कि आप स्टील आदि का जो पात्र होता है उससे आप जलाभिषेक ना करें। अगर आप दूध मिश्रित जल चढ़ाना चाहते हैं तो आप तांबे का पात्र ना लें, क्योंकि तांबे में दूध मिलकर वो जहर बन जाता है, जो इससे आपको जो है जो पाप के भागी आप बन सकते हैं। ऐसे में आप कांसे का पात्र या फिर चांदी का पात्र ले सकते हैं जलाभिषेक करने के लिए। दोस्तों, अगर आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, मालाएं करते हैं, तो उसका बहुत फ़ायदा आपको मिलेगा। अगर आपको महामृत्युंजय मंत्र आता है तो उसके सही उच्चारण के साथ आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं, आप उसे सुन सकते हैं। और अगर आप रुद्राष्टकम या फिर और कोई स्त्रोत्र आपको आता है तो आप उसका पाठ कर सकते हैं, उनको सुन सकते हैं। अगर आप रुद्राष्टकम सुनना चाहते हैं तो आपको इस आई बटन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर रुद्राष्टकम सुन सकते हैं। और अगर आप सुनना चाहते हैं महामृत्युंजय मंत्र 108 बार, वो भी आपको इस आई बटन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप ये जो है 108 बार ओम नमः शिवाय या फिर महामृत्युंजय का जो मंत्र है वो सुन सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि कौन कौन से तरल पदार्थ आप चढ़ा सकते हैं। अगर आप केवल जल से आप अभिषेक करते हैं भोलेनाथ का, तो उससे वर्षा प्राप्त होती है। अगर आप गंगा जल से या फिर किसी और तीर्थ के जल से भगवान का अभिषेक करते हैं तो इससे आपको मोक्ष प्राप्त होता है। कहा जाता है दोस्तों, अगर आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं या फिर कोई पशु खरीदना चाहते हैं तो आप दही से भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। अगर आप किसी असाध्य बीमारी से पीड़ित हैं या फिर आप किसी बीमारी से मुक्ति चाहते हैं तो आप कुशोदक से या फिर आप इत्र से भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके चारों तरफ शत्रु ही शत्रु हैं, उनको आपको पराजित करना है, तो आप सरसों के तेल से भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। अगर आप धन चाहते हैं तो आप गन्ने का जो रस होता है उससे आप भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। और आप घी से, यानी कि गाय के घी से या फिर आप शहद से भी भगवान का अभिषेक करेंगे तो आपको मान सम्मान भी मिलेगा और धन की प्राप्ति होगी। आयुर्वेद के लिए और पुत्र प्राप्ति के लिए आप दूध से भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। अगर आप शर्करा या फिर चीनी से मिलाकर दूध अर्पित करते हैं तो आपको तीव्र बुद्धि प्राप्त होती है। मित्रों, इसके अलावा आप षोडशोपचार से, यानी कि 16 तरह की सामग्री से भी भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं, जिसमें लौंग, इलायची, धतूरा, भांग, पंचमेवा, फल, फूल, दूध वगैरह हैं। आप उन सब से भगवान की पूजा कर सकते हैं। तो ऐसा विचार है कि आप अगर इस तरह से पूजा करते हैं तो भगवान शिव जो हैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। अगर आप हमारे वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं या फिर मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके हर कमेंट का मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, इसी के साथ मैं धीर कुमार आपसे अनुमति लेता हूं, जल्दी ही मिलूंगा एक नए वीडियो में, एक नए विधि के साथ, नए व्रत के साथ और नए विधान के साथ। ओम नमः शिवाय।